वीडियो करते हैं शुरू। और सबसे पहले तो आपको एक इस तरह का पीवीसी पाइप चाहिए। और दोस्तों ये मैंने छोटा सा टुकड़ा इसका काट लिया लगभग 2.5-3 सेंटीमीटर का। और आपको भी इस तरह से एक पीवीसी पाइप का कट कर लेना है। उसके बाद दोस्तों इसको ऊपर से थोड़ा सा आपको रब कर लेना है। आपके पास जो सैंड पेपर वगैरह उसको आप पाइप लगा कर ऊपर से इसको घस दीजिएगा, या फिर आप वैसे चक्कू वगैरह से इसको इस तरह से यू शेप में आप कट कर लीजिएगा दोनों साइड से। दोस्तों यहाँ पर हम अपनी जो मोटर होती है वहाँ पर इसको फिक्स कर देंगे, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों यहाँ पे दो मोटर है, दोनों ही 5 वोल्ट पे चलती है। और दोस्तों आप कोई भी मोटर यूज कर सकते हो जो कि 5 वोल्ट पे ऑपरेट होती है, क्योंकि इससे बड़ी मोटर आपने ली तो आपके जो प्रॉब्लम होगी चलाने में। ये दोस्तों एक यूएसबी केबल है जो कि ख़राब पड़ी थी मेरे पास, इसको मैं कट कर लेता हूँ। और दोस्तों आप भी इस तरह के यूएसबी केबल या यूएसबी पोर्ट भी हो आपके पास तो आप उसको भी कट करके यूज में ले सकते हैं। दोस्तों नहीं तो आपके पास नहीं मिले तो आप मोबाइल रिपेयरिंग के शॉप पर चले जाइए, वहाँ पर आपको पुरानी उसके पास रखी रहती है। और दोस्तों उसकी वायर कहीं से टूटी रहती है, बाकी वो बिल्कुल सही रहता है। दोस्तों इस तरह से हमें इसे छील लेना है पीछे की तरफ से। और इसके अंदर से हमें 4 वायर मिलेंगे, लेकिन हमें 2 ही वायरों की ज़रूरत है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे 4 वायर देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों हमें बस रेड और ब्लैक वायर है इसकी ज़रूरत है, और किसी भी वायर की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों ये जितने वायर है रेड और ब्लैक, ये तो हमारे पावर के लिए रहते हैं, और बाकी के 2 वायर है ये डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए रहते हैं। तो इसे हमें रेड और ब्लैक की ज़रूरत है और किसी की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं मोटर के पीछे सोल्डरिंग कर देता हूँ, और आप भी इसको अपनी जो मोटर है उसके पीछे सोल्डरिंग कर लीजिएगा। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो मैंने इसके पीछे इसको सोल्डिंग कर दिया है। और दोस्तों इसको आप यहाँ पे मोटर के पीछे इस वायर को थोड़ा सा फेविकिक की हेल्प से चिपका दीजिएगा, ताकि ये बोन टूटे ना। और दोस्तों एक ये पीवीसी पाइप है, उसके दोस्तों आप गैस पे गर्म करके आप सीट बना लीजिएगा, या कोई भी आपके पास कोई सीट पड़ी हो टाइट सा, उसके ऊपर हमें दोस्तों उसको राउंड कट कर लेना। और इसके ऊपर जो यूएसबी केबल है इसकी मार्किंग लेके उस शेप का हमें कट कर लेना है। दोस्तों अभी मैं इसको फिक्स करने जा रहा हूँ। और दोस्तों आप देख सकते हो ये मैंने फेविकिक की हेल्प से मैं इसके अंदर इसको फिक्स कर दूंगा। दोस्तों मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि आपका टाइम बचे। और दोस्तों बहुत आसान काम है फिक्स करना, आप बिल्कुल घर पे आसानी से इसे फेविकिक की हेल्प से आराम से फिक्स कर सकते हो। और दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो ये हमारा लगभग 90% बन के तैयार हो चुका है। और दोस्तों इसके नीचे से हमें ये यूएसबी केबल निकल चुका है। दोस्तों ये हमारा यूएसबी वाला फ़ैन लगभग तैयार हो गया है, लेकिन अभी हमें इसके ऊपर एक प्रोपेलर लगानी है। दोस्तों इस प्रोपेलर को मैंने खुद बनाया है, और इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो दोस्तों आप वहाँ से इस वीडियो को देख सकते हो, प्रोपेलर बनाने वाली वीडियो को, और घर पर प्रोपेलर बना सकते हो। दोस्तों इसके ऊपर ये फिक्स नहीं होता, तो इसलिए थोड़ी सी मैंने इसके ऊपर ग्लू गन डाल दी, ग्लू डाल दिया, उसके बाद ये एकदम फिक्स हो गया इसकी। और बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये अभी देखने में लुक भी इसका दोस्तों काफ़ी अच्छा आ रहा है। तो चलिए मैं इसकी एक बार आपको टेस्टिंग करके दिखा देता हूँ। तो दोस्तों इसको चलाने के लिए हम 2 चीज़ का यूज़ कर सकते हैं। एक तो हम अडेप्टर का यूज़ कर सकते हैं फ़ोन वाले, और आप किसी भी फ़ोन के अडेप्टर से इसको आसानी से ऑपरेट कर सकते हो। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि आप इसे बोर्ड में लगाओगे तब आपके पास ये हवा नहीं आएगी, ऊपर जाएगी। लेकिन अगर आपके पास एक्सटेंशन बोर्ड है तो आप इसका आसानी से यूज कर सकते हो, और आप कहीं पे पट वट वगैरह रह रहे हो या फिर आप कुछ काम कर रहे हो तो वहाँ पर आप इसको चला सकते हो, और ये डायरेक्ट 220 वोल्ट से चल जाएगी अडेप्टर के थ्रू। और दोस्तों जो दूसरा तरीका है इसको चलाने का, और जो बेहतरीन तरीका है दोस्तों, उसको हम पावर बैंक की हेल्प से इसको चला सकते हैं। और दोस्तों इस पावर बैंक को मैंने घर पे ही बनाया, तो इसकी वीडियो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और आई बटन पे इस वीडियो की लिंक है, तो आप इस वीडियो को भी देख लेना। और दोस्तों ये बिल्कुल ही आसानी से घर पर बन गया था बिना किसी प्रॉब्लम के ये पावर बैंक, और दोस्तों बहुत ही कम पैसों में ये बन के तैयार हो चुका था। तो दोस्तों आप इस वीडियो को भी देख सकते हो, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। तो अब दोस्तों इसकी टेस्टिंग अच्छे से मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ, और नीचे मैंने यहाँ पे कागज़ वगैरह रख दिए हैं ताकि आपको पता चल सके कि इसकी हवा कितनी तेज़ है। और दोस्तों ये पोर्टेबल है, आप इसको कहीं भी यूज़ में कर सकते हो, आप कहीं बाहर वगैरह गए हो वहाँ पे आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हो। और 2-3 फीट तक इसकी हवा है, तो दोस्तों देख सकते हो इसने सारे कागज़ उड़ा दिए। और ये दोस्तों कुछ कागज़ नहीं उड़ पाए, इसकी वजह यह थी कि एकदम दोस्तों बिल्कुल नीचे थे इसलिए ये नहीं उड़ पाए। दोस्तों काफ़ी बढ़िया पोर्टेबल है, और दोस्तों इसको आप कहीं ट्रैवल वगैरह में भी ले जा सकते हो और यूज़ कर सकते हो। दोस्तों काफ़ी अच्छा है, और आप इसको ज़रूर से बनाना। और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो यार एक लाइक कर देना, काफ़ी मेहनत लगती है। और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। चलिए मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, और यार वीडियो को लाइक कर देना ज़रूर से।